महान राइडर ने कहा है, एक गियर नीचे सारी दुनिया पीछे। बस ये देखो भाई, कपड़ा पहनना पड़ता है, फास्ट चलती है बाइक। साइकिल वह बहुत फास्ट जाता है ना, कहीं गिर गुरा गए तो लग लगाई जाए और खून खुनाई जाए। एंड ये देख रहे पूरा रेड लाइन है। अच्छा लगता है मगर गर्मी अच्छा नहीं लगता है भैया, मार डाला इस यूपी की गर्मी ने तो, जान ही ले ली जान। तो आरटीडी स्क्वाड को मेरा नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, कैसे काय केम छो मजामा आपरे तो जोरदार बापू। देखो मेन लाइन में बीच में आ जाते, बोल आपरे तो जोरदार हो बापू। सोलमेट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम झांसी। सुबह के बज रहे हैं 10:40 एंड वी आर ऑल सेट, वी आर रेडी, नहा धो के तैयार, सारा सामान पैक कर लिया है। अगर आपने चैनल पे अभी अभी लैंड किया है तो आपको बता दें कि हमारी एक सीरीज चल रही है नेपाल सीरीज, जहां हम मुंबई से नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं ऑन अवर हरिया वर्सेस 650, मैं और मेरी वाइफ मिशेल। तो राइट नाउ टुडे इज द डे 3। कल जैसा कि आपने देखा होगा डे 1 और डे 2 में हम राइड करके झांसी तक पहुंचे। आज प्लान ये है कि झांसी से निकलेंगे टूवर्ड्स गोरखपुर। झांसी के बारे में बात कर रहे हैं तो झांसी इज फेमस फॉर रानी लक्ष्मीबाई। हम सभी ने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, वही झांसी शहर में बाजू में ही किला है, बट अफसोस वी आर नॉट गोना विजिट इट। 11:15 बज रहे एंड टुडेज टारगेट इज गोरखपुर विच इज अप्रोक्स 550 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड वी आर गोना टेक 11-12 आवर्स विद अवर लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक्स। ऊपर से आज लाइट का भी काम कराना है, मेडॉक लाइट का, क्योंकि दो दिन से मैं सफर कर रहा हूँ उसकी वजह से। आज मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने देखा झांसी में भी कावासाकी नहीं है एंड द नेक्स्ट बिग सिटी इज कानपुर, कानपुर में भी नहीं है, मे बी लखनऊ में है। तो लखनऊ पहुंचते हैं टाइम पे, अराउंड 350 किलोमीटर इज लखनऊ फ्रॉम हियर। तो लखनऊ पहुंचते हैं, वहां लाइट रिपेयर करवाते हैं, बढ़ते हैं टूवर्ड्स गोरखपुर। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फॉर द डे 3 ऑफ नेपाल एक्सपेडिशन। चलिए आप भी जुड़े रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इफ यू डोंट लाइक आवर वीडियोस प्लीज कमेंट बिलो आपको क्या अच्छा नहीं लगा तो वी कैन वर्क ऑन इट। चलिए मिलते हैं आपको बाइक पर। Hey squad RTD, time check 11:28, we have started from Jhansi, luggage set करने में आधा घंटा कम से कम निकल जाता है। यहाँ से गोरखपुर बता रहा है 585 किलोमीटर, 10 hours 42 minutes, अगर 11 घंटे पकड़े तो रात के 10 बज जाएंगे। तो या तो अगर रोड अच्छे हुए तो किलोमीटर्स कवर करने पड़ेंगे या तो फिर थोड़ा जल्दी रुकना पड़ेगा, हो सकता है आज लखनऊ ही स्टे करना पड़े क्योंकि वहाँ कावासाकी सर्विस सेंटर में भी अपने को काम है। लेट्स सी गोरखपुर आज हो पाता है कि नहीं। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं राइड लेकर हरि का नाम, हरिया के साथ गणपति बाप्पा मोरिया। वेदर अपडेट दे तो यहाँ पे राइट नाउ इट इज 33 degrees, बट उमस ज़्यादा है, हेज ज़्यादा है, उससे गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत। एंड कल तो हमको सेकेंड हाफ में बारिश मिली थी, जैसा कि आपको पता होगा कि हम व्लॉग नहीं कर पाए थे। तो कल का जो हो गया था हमारा मॉनसून राइड, पकोड़ा राइड, पकोड़ा दो नहीं मिले थे हमको, बट वैसा माहौल बन गया था। आज यहाँ से गोरखपुर तक का सफ़र कैसा रहता है पता नहीं। लखनऊ में वैसे तो चांसेस है बारिश के अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट। लेट्स सी, लखनऊ इज़ ऑल्सो 300 something, तो उसी को हमको 5-6 घंटा लग जाएंगे। को रोड क्यों क्रॉस करना है, यूपी के इंसान भाई और जानवर दोनों से बचना। अभी अभी गोप्रो बंद था, एक बाइक वाला बिना पीछे देखे हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे अचानक से मुड़ यू टर्न लेने के लिए, ये इधर से इधर बिना पीछे देखे। हरिया का आज ब्रेकिंग टेस्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है, हरिया ने बचा लिया भाई। कल मॉनसून राइड की तो वेट टायर कंडीशन राइड, अपना कॉन्फिडेंस जो कैसा रहेगा टायर
एक्चुअली अपना स्टॉक टायर जी है डनलॉप का जो आता है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट, बहुत अच्छा लगा। मे बी इससे बेटर आते होंगे, बट ये जो मैंने सोचा था कि जो सुना था डनलॉप्स आर नॉट अप टू द मार्क, मुझे तो एकदम सेटिस्फाइंग लगा। ब्रेकिंग टेस्ट हो गया, वेट कंडीशन में टेस्ट हो गया, स्पीड टेस्ट हो गया, हीट टेस्ट हो गया, अभी करंट देके रेयर टायर का 47 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्मी है इधर। हर कंडीशन में टायर्स आर गुड। मे बी ये सबकी लाइफ कम है, ये राइड ख़त्म होने के बाद टायर चेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अवर हरिया इज़ ऑलरेडी क्लॉक 4200-300। ये राइड ख़त्म होते होते आराम से 8-9 हज़ार हो जाएंगे, 8 हज़ार तो हो जाएंगे, बस टायर का लाइफ ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, फिर 10 चले या 12 चले दैट वुड बी बोनस। बिग बाइक्स का ये एक और नेगेटिव, टायर लाइफ 8-10,000-12,000 मैक्सिमम, एंड टायर कॉस्ट अराउंड 25,000 अ पैर। एक बड़ी राइड मारो 25,000 के टायर गए, ये भी पता था अपने को, ऐसा नहीं है कि लेने के बाद मैं शॉक हूँ। वी नो शॉक है, करो पूरा। कपड़ा पहनना पड़ता है, फास्ट चलती है बाइक, गिर विर गए तो लग लगाई जाए, बचने के लिए पहनना पड़ता है भैया, सही है। पीपल आर सो क्यूरियस, इतना नया है ना, जैसे जैसे आप रीजन चेंज करेंगे, मुझे लगता था कि क्वेश्चन सेम रहेंगे, कितने की ये बाइक, क्या एवरेज देती है, बट इट इज़ नॉट द केस। जैसे जैसे आप रीजन चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मुंबई से मान लो मैं एमपी बॉर्डर तक, सबका क्वेश्चन एक ही था, बाइक की प्राइस क्या है। फिर क्वेश्चन चेंज होते रहे, कोई पूछता है ये डब्बे में क्या है, जो अपना टॉप बॉक्स है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइक, या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बाइक, क्या एवरेज देती है, कुछ नहीं, डब्बे में क्या है, किसी को बोलना पड़ता है काला सोना है, किसी को क्या, किसी को क्या। अभी यहाँ पे रुके थे, भाई पूछ रहे कि ये कपड़ा का है पहने हो, दे आर सो शॉक कि इतना गर्मी है और इन लोग इतना जैकेट वैकेट, ठंडी तो नहीं लग रही है इन लोग को। सो आउट ऑफ क्यूरियसिटी ही आस्क मी, ये कपड़ा का है पहने हो, भाई पहनना पड़ता है, मोटरसाइकिल वह बहुत फास्ट जाता है ना, कहीं गिर गुरा गए तो लग लगाई जाए और खून खुनाई जाए, क्या बात कर रहे हो भैया, बखलाउल कहीं के। उत्तर प्रदेश, यहाँ मोस्टली लोगों को कावासाकी भी नहीं पता, मोस्ट ऑफ पीपल हैव आस्क मी, ये बजाज की है ना, सो दे ऑफन थिंक कि ये कोई पल्सर का कोई वो 220 वाला मॉडल या ऐसा कुछ है, बस वो बजाज वाले की है ना, दे आस्क दिस। फिर बोलो कावासाकी की है, नहीं बजाज की नहीं, कावासाकी की, कावास कावास क्या है, अच्छा छोड़ो। सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग, एंड पीपल आर रियली रियली शॉक्ड टू सी मिशेल, अ वुमन वो ड्रेस में, राइडिंग गियर में, मुझे या बाइक को तो लोग कम ही देखेंगे, उसकी तरफ घूरते ये क्या हो गया। यहाँ पे जो साड़ी वगैरह पहन के घूंघट निकाल के 2-3 बच्चे हाथ में लेके चलते रहते हैं, एंड दे ऑल टर्न द हेड्स एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट मी, दे जस्ट स्टेयर एट अस। अच्छा लगता है मगर गर्मी अच्छा नहीं लगता है भैया, मार डाला इस यूपी की गर्मी ने तो, जान ही ले ली जान। चलिए जाना तो पड़ेगा, कानपुर इज 100 किलोमीटर्स, टाइम चेक्स, क्वाड आरटीडी, टाइम राइट नाउ इज 14:03, दैट इज दोपहर के 2 बज गए हैं, और यहाँ पे अपना 15-20 मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक हुआ था, पानी, स्टिंग, एनर्जी ड्रिंक, इतनी गर्मी में खाना खाने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं है। कानपुर पहुँचते और फिर देखते मूड हैज चेंज और नॉट, नहीं तो फिर सीधा लखनऊ। मेन थिंग लखनऊ कावासाकी सर्विस सेंटर बंद होने से पहले पहुंचना ज़रूरी है यार, पता नहीं यहाँ के टाइमिंग जल्दी बंद हो जाता है या क्या। स्टिल इट इज़ 200 अप्रॉक्स, 180-190 किलोमीटर्स,
तो पकड़ लो वही 3 घंटा यहाँ से और लखनऊ जाएगा इफ़ वी डोंट टेक अ लंच हॉल्ट इन बिटवीन, नहीं तो 1 घंटा और। तो लखनऊ अगर पहुँच जाते हैं 5 बजे तक तो आई थिंक इट शुड बी ओपन एट दैट टाइम, और चेन क्लीनिंग ल्यूबिंग सर्विस वॉश करवा लेते हैं। सबसे मेन मैड डॉग लाइट का वायरिंग चेक करवा के उनसे चालू करवाना है, उसके बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल है। देख लो देख लो, बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जनपद। सो द रीजन वी आर ट्रैवलिंग इज कॉल्ड बुंदेलखंड, जहाँ पे हम रुके थे झांसी, विच इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ 2 रिवर्स, पाहेज एंड अनदर वन आई फॉरगॉट द नेम, विच इज़ एक्सट्रीम ऑन द साउथ ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। बुंदेलखंड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं तपती तड़कती गर्मी में। डिहाइड्रेशन तो भाई कंटिन्यूस हो रहा है, लिटरली वी आर टेकिंग बाथ इन आवर राइडिंग सूट्स। गौ माता काहे तुम रास्ते पे आता, चलो साइड हो जाता। एक बड़े ही महान राइडर ने कहा है, एक गियर नीचे सारी दुनिया पीछे, बस अपना वही है हरिया का सिस्टम, ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखा, एक गियर नीचे सारी दुनिया पीछे। हरिया के परफॉर्मेंस पे तो लाइफ चल रही है, बाकी ये गर्मी बहुत ख़तरनाक है। अगर लो सीसी बाइक लेके आओ लाइक दिस, आई डोंट नो हाउ डू दिस पीप सर्वाइव, इनका रेजिस्टेंस कैपेसिटी सुपर। हरिया भागता है तभी लगता है मज्जा नहीं लाइफ, जैसे अपन वैसा अपना हरिया, आप तो जोरदार हो बापू, अने हरिया भी जोरदार हो बापू। बंद है यार, अपने को वजन करने का था हरिया के साथ। शह इधर पीना है कि आगे? ठंडा पानी है रे बाबू, नहीं है ये? देखो भाई ट्रक पलटी होके ये लेन से उधर कैसे गया, उसका मुंह वो साइड कैसे हो गया, क्योंकि सब रॉन्ग वे पे ही चलते हैं। यहाँ की जो लोकल उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट है वो रॉन्ग वे से आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ रॉन्ग वे से आ रही है। चलो पुलिस की गाड़ी छोड़ दो, इमरजेंसी व्हीकल है, उनको कहीं पहुँचना है तो ले सकते हैं, बट कुछ भी हो रहा है यार। ये देखिए गर्मी का लेवल जानते हो, जो भी डिग्री है ऐसा लगता है 45-50 हो गया। हर 25-30 किलोमीटर में हाइड्रेशन ब्रेक लेना पड़ रहा है। ये देखिए एक ट्रक पलटी ने तबाही मचा दी, 15 किलोमीटर लंबा जाम। इन लोग की गर्मी में क्या हालत हो गई रे बाबा, कैसे बैठे होंगे। लखनऊ 106, रोड्स आर नॉट दैट गुड, नहीं तो 1-1.5 घंटे में तो लखनऊ पहुंच सकते हैं। टाइम इज 15:16, 3:15 बज के गए, 4:45, 5 के पहले तो पहुँच ही जाएंगे, बट ये गर्मी की वजह से बार बार हाइड्रेशन ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं, उसमें 10-10 मिनट जा रही है। रोड्स आर ऑल्सो नॉट गुड, ऐसे डांबर पिघल के बम्स आया है, सो देर इज़ नो लेवल ऑन द रोड, कॉन्फिडेंस नहीं आता, टारमैक पिघल गया भाई, ऐसी गर्मी है यूपी में। ट्रक जहाँ पे चलते हैं वो एक मार्ग बन गया है, एंड टारमैक पिघल के कहीं खड्डा है कहीं ऊपर है, संभाल के चलाना पड़ रहा है। सो दिस इज अ पिट स्टॉप फॉर आवर लंच, टाइम राइट नाउ इज 4:30। कावासाकी लखनऊ में बात कर लिया अफजल भाई से, एंड ही टोल्ड दे विल वेट फॉर मी टिल 6:30, तो फटाफट खाते और पहुँचते हैं। अपना छोले भटूरे आ गया है, लेट्स स्टार्ट।
काफी लंबा फ्लाईओवर है, पूरा सिटी क्रॉस करवा दिया भाई कानपुर। अरे कानपुरिया वाह, ओहो कानपुर इज 8 किलोमीटर, तो दूसरा कोई सिटी है जो नीचे पास हो गया। का फ्लाईओवर बनाया भैया, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वाराणसी राइट, इलाहाबाद राइट, लखनऊ लेफ्ट, लखनऊ सीधा, अच्छा लेफ्ट, इलाहाबाद जाना है क्या? हाँ, तो इधर से 203 किलोमीटर हाँ, कानपुरिया सिटी जाना है तो इधर से 5 किलोमीटर हाँ। तो भाई लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर घोषित कर दो मेरे हिसाब से, मीलों का मीलों चल रहा हूँ मैं, फ्लाईओवर ख़त्म ही नहीं हो रहा। इन पाइयों का पाइये जान रहा लॉन्ग मारे लश्कारे। 348 अयोध्या 216 सीतापुर 160 गोरखपुर 348 नहीं होएगा भाई आज, क्योंकि अभी अरे लखनऊ में ही अपने को कावासाकी सर्विस सेंटर में टाइम लग जाएगा। स्क्वाड आरटीडी टाइम अपडेट 17:51 5:51 शाम के, और हम हैं 28 किलोमीटर लखनऊ से दूर। कानपुर लखनऊ हाईवे इज़ अ मैस, बिलीव मी इज़ अ मैस। मुंबई से इधर तक का सबसे बड़ा मैस बोलूँगा तो ये है। एक तो ये रोड का काम चालू है एंड ट्रैफिक रूल्स की तो बात ही जाने दो, आपको बहुत जगह लिखा दिखाई देगा ओबे ट्रैफिक रूल्स ये वो, बट आई डोंट थिंक सो एनी वन हियर रियली डज। हर एक जन वायलेट करता है ट्रैफिक रूल, कुछ भी बोलो पूरा मैस है। इनफैक्ट ट्रैफिक कानपुर से लखनऊ इज हाईएस्ट, तो ये रोड तो भाई एक्सप्रेस वे होना चाहिए, 6 लेन होना चाहिए, कॉन्क्रीटाइज होना चाहिए। हम तो इतने टाइम से सुन रहे थे यूपी में रोड ज़बरदस्त बन गए, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यूपी से। अपने को घाई है कावासाकी पहुंचने की, 6:30 बजे बंद हो जाएगा सर्विस सेंटर। दो मैंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया है अफजल भाई को, बट वो बोले 6:30 के पहले अगर आप आ गए तो मैं कुछ भी करके करवा दूंगा। और प्रॉब्लम ये है कि अभी भी गूगल 26 किलोमीटर के लिए 55 मिनट्स बता रहा है, रीचिंग टाइम इज़ 18:48 एंड वी हैव टू रीच बाई 18:30, तो देख रहे हो 18 मिनट के लिए लेट हो रहे हैं। और ये भाई लोग सब आराम से चल रहे हैं, ऐसा ना हो जाए सर्विस सेंटर बंद और कल सुबह हमको करवाना पड़े तो कल निकलने में बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी वी आर लेट, आज का टारगेट जो है गोरखपुर था, गोरखपुर तो अभी बहुत दूर हो गया, बहुत डेंजर है भाई इधर का ड्राइविंग सेंस सबका, डिवाइडर भी उड़ा देते मस्त से। लखनऊ तो आज हॉल्ट वैसे भी करना ही है, क्योंकि अगर गाड़ी का काम किया 7:30-8 बज गए फिर तो गोरखपुर 300 किलोमीटर दूर है, निकल के फ़ायदा नहीं है। आई डोंट वांट टू डू नाइट राइडिंग विद निशा। 284 फ्रॉम हियर एंड ये है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ, तो लखनऊ तो हम आ चुके हैं। ऑडी लखनऊ, टोयोटा लखनऊ, कावासाकी लखनऊ को इधर शोरूम बनाने सर्विस सेंटर बनाने में क्या हो गया यार, यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, इसके लिए 50 मिनट इज़ द ईटी है, तो ऑब्वियस है शाम का टाइम है, पीक ट्रैफिक में सिटी क्रॉस करना फॉर 23 किलोमीटर्स एज गुड एज बांद्रा से आप मलाड़ा हो, जो मुंबई से है उनको पता। और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, 6:00 बज रहे हैं अभी भी वही है, स्वेटिंग लाइक अ फिश इन माई राइडिंग गियर्स। स्क्वाड आरटीडी लखनऊ में आपका स्वागत है। ये देखिए हर जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के लगने रहे भाई, पहुँचेंगे। टाइम इज 18:25 एंड ये देख रहे पूरा रेड लाइन है, इट इज़ 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड स्टिल इट इज़ शोइंग 31 मिनट ETA। 7 बजे पहुँचेंगे, डेफिनेटली वो नहीं लेंगे हमारी गाड़ी अंदर, कल पे जाएगा, भारी पड़ गया ये ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक है, ट्रैफिक में खड़े खड़े यहाँ भाई से सब्सक्राइब करवा लिया, ये अपने नए सब्सक्राइबर।
but the last one they hear eyes blurry, but I couldn't see that. And he cleared down. Finally guys, big thumbs up for Kawasaki Lucknow, Afzal bhai. They waited for us and also इतना लेट आउट ऑफ ड्यूटी उन्होंने हमारा हेल्प भी कर दिया. दे डिड अ फेवर टू अस हमारे रिक्वेस्ट पे, नहीं तो हमारा एक दिन और बिगड़ता. बिग थम्स अप टू लखनऊ कावासाकी. टाइम राइट नाउ इज 8 और अभी अभी अपना भैया वॉश होके रैंप पे चढ़ाया गया है. दे आर वर्किंग आउट ऑफ ड्यूटी आवर्स जस्ट टू हेल्प. थैंक यू सो मच कावासाकी लखनऊ. अभी सब काम होगा, सिर्फ अभी वॉश ही हुआ है. ऑल सेट, अरिया चेक आ चेक. सो हे गाइस, कोर आरटीडी. टाइम राइट नाउ इज 9:30. वी हैव चेक्ड इन इनटू अवध होटल. यही रोड से हमको जाना है मॉर्निंग में. वी थॉट कि ये एरिया बेटर रहेगा. There were many options in the city, but we prefer to stay here. तो सुबह निकलने में आसानी होगी. दूसरा एक लोचा ये हो गया कि अपना कार्ड रीडर चल नहीं रहा है. कल का डाटा मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, आज का डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया है. ये अपना कार्ड रीडर जो मैं यूज़ करता था कल चलना बंद हो गया. मैंने यहाँ से लोकल मोबाइल शॉप से एक कार्ड रीडर ख़रीदा, वो भी काम नहीं आ रहा है. वो तो क्या क्वालिटी का दिया पता नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए कार्ड रीडर दिया है, इसके कवर्स तो ऐसे ही खुल गए एंड कार्ड का स्लॉट ही समझ में नहीं आ रहा है. तो डेटा ट्रांसफर अपना नहीं हो रहा है. बाय द वे ये अपना रूम है, रूम इज क्वाइट ओके. यहाँ अपना खाना आ चुका है, वेज फ्राइड राइस एंड पनीर चिली ड्राई. चलिए तो ये व्लॉग करते हैं इसी के साथ समाप्त. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. अगर आपको व्लॉग अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ लीव अ कमेंट क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आवर चैनल राइडर तुषार धनेशा विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. Sing.